नमस्कार, सुप्रभात। इस नई सुबह को भी सुप्रभात, महकती फिजाओं को, शीतल हवाओं को सुप्रभात, रोशनी देने वाले सूरज को और आपको भी सुप्रभात। ये महकते फूल, ये खिलती सुबह कहती है खिलते रहिए और हर सुबह यूं ही प्यार से हमसे मिलते रहिए। दोस्तों, जो समय बड़े प्यार से, सुख से, शांति से अपनों के साथ बीत जाता है, उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए जब भी अपनों से मिले, बहुत स्नेह से, सम्मान से मिलकर समय को अच्छा बनाइए, क्योंकि जो समय बीत गया वो बीत गया, जिसने सफल कर लिया वो जीत गया। इसलिए नई सुबह के साथ कोई नयापन अपने रिश्तों में लाएं, और यही बात आपकी, यही क्रिएटिविटी आपकी, आपकी ज़िंदगी को भी संवारेगी और आपके रिश्तों को भी, क्योंकि जो समय श्वास जो चले जाते हैं वो लौट कर नहीं आते हैं, और कुछ ऐसा ही कहता है आपसे आज का सुवाक्य। नमस्कार। संकल्प, बोल, श्वास और कर्म जीवन में वो अमूल्य निधि है जो लौट कर नहीं आते हैं। ये वो एनर्जी है कि जो एक बार निकल गई वो उसी रूप में वापस नहीं आते हैं, क्योंकि इसका सबसे गहरा संबंध हमारे संकल्पों से है। जो संकल्प हमने उत्पन्न कर लिए वो पास्ट हो गया। अगर वो व्यर्थ हैं तो व्यर्थ के खाते में चले जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि व्यर्थ संकल्प व्यर्थ शब्दों को जन्म देते हैं। और एक बार जो शब्द जैसे कि तीर निकलता है कमान से, वो वापस ऐसा ही नहीं आता है, जहाँ जाता है वहाँ घाव करता है। ऐसे ही शब्द भी घाव करते हैं। इसी प्रकार जो हमारे संकल्प हैं वैसे बोल हैं, तो हमारे श्वास जो हैं उसकी एनर्जी भी वैसी बनी जाती है, क्योंकि श्वास का बहुत गहरा संबंध हमारे संकल्पों से है, और वो भी व्यर्थ चले जाते हैं, और साथ ही साथ हमारा समय जो भी व्यर्थ में जाता है। तो इसीलिए आज से हम बुद्धिमान बनेंगे, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, इसे यूं ही ना व्यर्थ में गंवाएं, और सुबह उठकर संकल्प लें कि मुझे इसे जमा करना है, और जितना हम इसे जमा करते जाएंगे उतना ही हम धनवान बनेंगे और दूसरों के हित में अपना जीवन जिएंगे। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और सबको पसंद आता है ठंडा ठंडा पीना, और ऐसे में यदि दिल और दिमाग भी कूल हो तो सब कहेंगे आप हैं मिस्टर कूल। हर ऋतु का हमारे जीवन के लिए खास महत्व है, लेकिन किसी भी ऋतु की अत्यधिकता हमारी सेहत को हानि करती है। और ऐसे जब गर्मियों में आप कई बार दिन में, दोपहर में, गर्मी में बाहर निकलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हीट रैश हो जाते हैं, खुजली होती है, स्किन लाल हो जाती है। आपकी सेहत आपके हाथ में, इस विषय के अंतर्गत आज डॉक्टर गुप्ता जी आपको बताएंगे कि गर्मियों में हीट रैश से आपको कैसे अपनी संभाल करनी है। ओम शांति दोस्तों, गर्मियों में और जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, स्पेशली जैसे कि बॉम्बे जैसे एरिया में, वहाँ पर ये हीट रैश बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसे आम भाषा में घमौरियों के रूप में भी जानते हैं, प्रिकली हीट नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको मलेरिया कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो है, जो हमारी पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, उनमें उनकी जो डक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाती है और स्वेट उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, और इसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो मोटे मोटे बम्प्स के रूप में उभर सकता है। तो इससे कि इसमें अधिकतर ईचिंग होती है, और ये यूजली चेस्ट पर, फेस पर,
और कमर पर, आर्मपिट्स में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बच्चों को भी पाया जा सकता है, एडल्ट्स को भी, और लगभग हर एज में ये पाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये इससे बचने के लिए दोस्तों अपनी स्किन को साफ रखें, डेली साबुन से नहाएं, स्पेशली जो ऐसे एक्सिलरी एरिया है जहाँ आर्मपिट्स हैं, ग्रोइन है, ये जो नीचे लेग्स के जो जहाँ लेग बेंड करते हैं वहाँ, उनको अधिकतर डेली साबुन साफ करें। कुछ प्रिकली हीट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और कोल्ड वेदर, थोड़ा सा ठंडी ठंडी जगह पर जाएं तो जल्दी से ठीक हो जाता है दोस्तों। सिर्फ सफाई रखें शरीर की, स्किन को ड्राई रखें, तो इससे आप मुक्ति हो सकती है। ओम शांति। दोस्तों, हर समय हम किसी ना किसी रिश्ते के बीच में होते हैं। कभी हम परिवार के बीच होते हैं, कभी कोलीग्स के बीच में होते हैं, कभी मित्रों के बीच में होते हैं, और हम अपने आप से भी हर समय कोई ना कोई रिश्ता बनाए रखे होते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि रिश्तों को बेहतर बनाया जाए। और रिश्ते बेहतर बनाने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र होता है, वो है केयर, मोटिवेशन, अपनापन और प्यार। यही है हर रिश्ते का आधार। यूं तो शांत रहना बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी अपनों के साथ रिश्तों में कुछ मीठी मीठी बातें करते रहना चाहिए। हर रिश्ते में मिलती बार ये प्रयास करना चाहिए, जब आप वहाँ से जाए तो रिश्ता और गहरा हो जाए, उसमें और अपनापन आ जाए। ज़रा सी समझदारी से रिश्ते सुखद भी होते हैं और सुर्ख भी। और आज विशिष्ट की बातें विशेष में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी जी, फॉर्मर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, हैदराबाद। मेडिटेशन आई पिक्ड अप फ्रॉम ब्रह्म कुमारी एंड दैट चेंज माय लाइफ। दिस मॉर्निंग आई समबडी केम फॉर माय opinion. So I said 100% change in my behavior towards others, and peace be always. I never think of ill will for anybody. Mm-hmm. After I came to me, I used to react that this is completely, I have changed what I am taking home, peace of mind and meditation. And here also brotherhood. Mm-hmm. See, the very purpose for which Brahma Baba used to have world peace and happiness. Mm-hmm. World peace, happiness. If I remember, I read somewhere, ultimate desire is to get back Satya Yuga. Satya Yuga is where everybody is happy, no poverty. So, see, if we adopt the principles of Brahma Kumaris, you will have not only peace of mind, you will also be in good terms with all people. A brotherhood, I think, you can take from Brahma Kumari. That's so right. You must learn how to love others. Love. Love is very important. Even you must love the enemy. Prakash Maniar, somebody said, enemy is your friend. You don't hate your enemy. Love, the enemy will be converted, transformed, and he will be your friend. So I think love is very important. Love is for everybody, and that gives you peace and happiness. That's how you can take from Brahma Kumari. कुछ दिन पहले ना एक बहुत ही अच्छा वाक्य हुआ। एक बहन अपने बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ सफ़र कर रही थी, और वो बच्चा जो है बुक पढ़ रहा था। काफ़ी देर बच्चे को बुक पढ़ता देखकर एक पास बैठे व्यक्ति ने कहा कि बहन जी, कमाल की बात है, आपका बच्चा बुक पढ़ रहा है, और मोबाइल के ज़माने में कोई बच्चा बुक पढ़े, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे बच्चे तो सुनते ही नहीं है। तो उस पर उस बहन ने जवाब दिया कि भाई जी, बच्चे बड़ों की सुनते ही कहाँ है, बच्चे तो बड़ों को देखते हैं, बच्चे बड़ों को देखते हैं। तो अपने बच्चों में जो भी आप सुख के संस्कार लाना चाहते हैं, अच्छी आदतें लाना चाहते हैं, पूरे दिल से प्रयास करके पहले उसे अपने में लाइए,
उनके जीवन में देखने का बड़ा प्रभाव पड़ता है और आपके जीवन पर और आपके परिवार के जीवन पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए हम दिखाते हैं आपको पीस न्यूज हाइलाइट्स। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास विभाग द्वारा आत्मनिर्भर किसान अभियान का आयोजन किया गया। ये अभियान 1 मई से बरेली से आरंभ हुआ था और 22 मई को काशीपुर में इसका समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में काशीपुर महापौर श्रीमती उषा चौधरी जी, किसान समिति अध्यक्ष श्री अरुण शर्मा जी, प्रयागराज से पधारी आदरणीय बीके मनोरमा दीदी जी और पलवल हरियाणा से पधारे आदरणीय बीके राजेंद्र भाई जी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और बच्चों के सांस्कृतिक नृत्य से हुई। साथ ही किसानों को संबोधित करते हुए व्यसन मुक्ति विषय पर नाटक प्रस्तुत किया गया। जीवन में गाय के महत्व को बताते हुए एक खास नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। राजयोगी बीके राजेंद्र भाई जी ने किसानों के आत्मनिर्भरता के लिए जैविक खाद और कीटनाशकों की जानकारी देते हुए अभियान का मुख्य उद्देश्य बताया। किसान समिति के अध्यक्ष श्री अरुण शर्मा जी ने सरकार की ओर से किसानों के विकास कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन बीके नीता दीदी जी ने किया। बरेली क्षेत्र की संचालिका आदरणीय बीके पार्वती दीदी जी तथा काशीपुर सेवा केंद्र संचालिका बीके चंद्रावती दीदी जी भी उपस्थित रही। कार्यक्रम का समापन बीके पार्वती दीदी जी द्वारा राजयोग मेडिटेशन के साथ किया गया। दोस्तों, रिश्ता दो तरह का ही हो सकता है, या तो रिश्ता अच्छा हो सकता है या रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता है। तो कोशिश करके अपने रिश्तों को अच्छा बना लेना चाहिए और अच्छे रिश्तों के लिए बार बार रिश्तों में अपनापन प्यार जताना होता है, दिखाना होता है। रिश्ते अपने आप से बेहतर नहीं होते, रिश्तों को अच्छा बनाना होता है। तो अपने आप से, अपनों से बेहतर रिश्ता बनाने के लिए अपनाएं अच्छा ढंग। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इजाज़त लेता है आपसे सब रंग। ओम शांति, नमस्कार।